Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. हम लोग कर रहे थे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन और उसमें हम लोग जस्ट इन टाइम वाला जो टेक्निक नंबर वन है लीन सिस्टम की उसको डिस्कस कर रहे थे. वी हैव डिस्कस दीज पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस दैट वास्टली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल. जो पूरा का पूरा जे आई टी है ना वो आपके तीन प्रोसेस पे फोकस करता है. पहला प्रोसेस फोकस करता है कि कैसे हम रॉ मटेरियल के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं एंड कैसे हम जो क्वालिटी है रॉ मटेरियल की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. दूसरा पार्ट आपके बारे में, दूसरा प्रोसेस जो है वो फोकस करता है ऑन द वर्क इन प्रोग्रेस पार्ट एंड द थर्ड प्रोसेस फोकस ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, तो हम लोगों ने ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि कैसे जो है क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी दैट आर रिलेटेड टू रॉ मटेरियल जब जो जे आई टी सिस्टम है वो कोई कंपनी अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रही है. अब हम लोग बात करते हैं इसी ओवरव्यू के दूसरे एस्पेक्ट की एंड दैट फोकस इज ऑन रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस. तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो लीन सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो जीरो इन्वेंट्री पे फोकस करता है कि हमें कोई भी इन्वेंट्री नहीं चाहिए. और जस्ट इन टाइम की भी दो कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़ी है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम परचेज. तो परचेज वाला ये बोलता है कि उतना ही रॉ मटेरियल लेकर आओ जितना प्रोडक्शन करना है और उतना ही प्रोडक्शन करो जितने की डिमांड आई. तो ऐसे करके ये पूरी जो साइकिल है वो चलती है. तो अब वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है ना, जैसे अब आपका काम कैसे कमेंस होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, तो होता ये है कि कंपनी के अंदर कुछ मशीन्स होती हैं. अब मशीन ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम दोज मशीन्स आर रेडी टू वर्क. उन मशीन्स का कुछ सेटअप करना होता है एंड उस सेटअप में टाइम लगता है, उस मशीन को सेटअप करने में टाइम लगता है. ठीक है, तो जनरल केसेस में होता क्या है ना कि जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, कंपनीज ये बोलती हैं कि मशीन को आप सेटअप करो एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो. जो अभी इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उसको मैं एक समराइज फॉर्म में बता रही हूँ सो दैट आपको ईजिली वो समझ आए. तो ध्यान से सुनना, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ ये बोलती हैं कि एक बार आप मशीन को सेटअप करोगे तो उसके बाद में आप क्या करना, जितना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो. अब इस वाले केस में क्या हो सकता है, सपोज़ कोई मशीन है आपने एक बार में सेटअप करा, अब उसको जब आपने सेटअप करा तो उससे आपने 500 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर ली. अब उस सेटअप में ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, ज़रा सा भी कुछ उसकी वजह से डिफेक्ट आ गया तो वो सिर्फ एक यूनिट उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, सिर्फ एक यूनिट पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा बल्कि जितनी भी यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी यूनिट्स उस सेटअप से मैन्युफैक्चर हुई हैं सारी की सारी डिफेक्टिव हो जाएंगी. एंड जब तक ये बात कंपनी को पता लगेगी तब तक उसका इतना सारा रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो जाएगा एंड फिर उस पर या तो रिवर्क करना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं फिर डिफेक्टिव जो है वो प्रोडक्ट रह जाएगा. तो इतना बड़ा जब इतना हार्श इसका कॉन्सिक्वेंस है तो हमें इतना लार्ज प्रोडक्शन क्यों करना, हम इस सेटअप टाइम को शॉर्ट कर देते हैं, हम इस सेटअप टाइम हम जो प्रोडक्शन है उसका बेसिकली लॉट कम कर देते हैं. हम 500 यूनिट्स की जगह सिर्फ 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या होगा, 500 की जगह अगर आपने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली तो उससे ये होगा कि जो है कोई भी डिफेक्ट अगर होगा तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा एंड फिर जो आगे का प्रोडक्शन है वो ठीक होगा. अच्छा, तो इसमें एक दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि आप बोलोगे कि एक मशीन को सेटअप करने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, उसकी कैपेसिटी तो है 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की लेकिन आप बोल रही हो कि आप सिर्फ 50 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो ऐसे में वो जो सेटअप करने में हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या उसकी वजह से फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहाँ कर पा रहे हैं टाइम की. और जो आपका जे आई टी है वो उसको तो सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि टाइम भी वेस्ट ना हो, उसको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इन्वेंट्री मेंटेन ना करनी पड़े, लेकिन उसको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव ना रहे. तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि अगर आपको किसी मशीन को सेटअप करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें आप उस सेटअप टाइम को रिड्यूस कर दो एंड उससे आप छोटे छोटे लॉट्स को प्रोड्यूस करो जिससे कोई भी डिफेक्ट अगर हो तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए एंड कम क्वांटिटी जो है वो डिफेक्टिव हो इन केस अगर कोई डिफेक्ट अगर होता है. तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया सो डू नॉट वरी, मैंने सिर्फ जिस्ट बताई थी जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ कि इसमें करना क्या है. सो प्रोसेस इन अ कंपनी विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वाइल ऑल्सो श्रिंकिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड फिक्स्ड, देयर रिड्यूसिंग
स्क्रैप कॉस्ट, तो ये वाले जो प्रोसेस है ये किस पे फोकस करेगा कि हमको जो है हमको कोई भी रॉ मटेरियल नहीं रखना है वर्क इन प्रोग्रेस को, तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, साथ ही में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को श्रिंक कर दो, श्रिंक मतलब कम कर दो, यानी कि अगर आप इससे पहले एक बार में 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसकी जगह आप केवल और केवल कितने यूनिट प्रोड्यूस करो, 50 यूनिट प्रोड्यूस करो, सो दैट कोई भी अगर डिफेक्ट आता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए एंड हैंड टू हैंड वो फिक्स हो जाए, ठीक है, और उससे आपकी जो स्क्रैप कॉस्ट है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, अब इसके लिए ना आपके पास में दो स्टेप्स होते हैं। पहला तो ये होता है कि आप शॉर्ट इन कर दो सेटअप टाइम को फॉर द कंसर्न मशीनरी। सो बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है कि एक बार जो आपकी मशीन है उसका सेटअप हो गया, देन आपका जो है वो प्रोडक्शन हो गया, फिर अगेन आपका सेटअप हुआ, देन अगेन आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इक्विपमेंट इज चेंज ओवर टू न्यू कॉन्फिग्रेशन एज रेयरली एज पॉसिबल बिकॉज द कन्वर्जन इज बोथ लेंदी एंड एक्सपेंसिव। व्हेन सेटअप्स टेक अ लॉन्ग टाइम द कंपनीज मैनेजमेंट ऑथराइजेस लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स व्हिच स्प्रेड्स द कॉस्ट ऑफ सेटअप ओवर द फार मोर यूनिट्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द सेटअप कॉस्ट ऑन अ पर यूनिट बेसिस। तो ये आपको जनरल कुछ बातें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि होता क्या है ना, आपने देखा होगा कंपनीज में फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो न्यू कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ही रेयरली चेंज होते हैं, मतलब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये वाली जो इक्विपमेंट है ये हमारा बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है तो उसमें वो क्या लेकर के आते हैं, न्यू कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आते हैं, वरना कंपनीज जो है वो जनरली उसी इक्विपमेंट को चलाती रहती है, फैक्ट्रीज में वही इक्विपमेंट्स चलते रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इसमें खर्चा भी बहुत हो जाएगा। साथ में दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जो सेटअप्स हैं, अगर कोई मशीन है उसको सेटअप करने में लंबा टाइम लग रहा है तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि आप क्या कर दो, लॉन्ग प्रोडक्शन रन कर दो। अब लॉन्ग प्रोडक्शन रन क्या है, सपोज आपने 2 घंटे लगा करके किसी मशीन को सेटअप करा तो उसमें आप यही कोशिश तो करोगे ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें कर लूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे सो देयर आर हाई चांसेस कि आपका फिर जो एक प्रोडक्ट है जो पर यूनिट बेसिकली आपका कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगा वरना, और अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर लोगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएगा, है ना, तो वो एक तरह से स्प्रेड हो जाए जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कर लो। लेकिन अगर आप ये वाली अप्रोच लेके चलोगे, हाउएवर विद दिस अप्रोच टू मेनी प्रोडक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली मेड एट वन टाइम, लेकिन इस अप्रोच की वजह से क्या होता है ना, एक ही बार में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एक ही बार में 500 के 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, अब उससे बहुत सारे जो हैं वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे, पहला तो ये कि वो प्रोडक्ट जो है वो अगर एक प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हुआ तो देर आर हाई चांसेस कि जितने भी यूनिट्स हैं फिर वो उस प्रोडक्ट के सारे यूनिट्स ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो आपका लीन सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है, जीरो इन्वेंट्री मेंटेन करना है, लेकिन आपने इतना बल्क में प्रोडक्शन करके रखा है तो उसको कहीं तो स्टोर करोगे ना, जब आपने डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करा है सो आपका इन्वेंट्री तो डेफिनेट सी बात है कि बनेगा और इन्वेंट्री को फिर मेंटेन करने का कॉस्ट भी लगेगा। ऑल्सो एंड मेनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बिकॉज प्रॉब्लम्स मे नॉट बी डिस्कवर्ड अंटिल अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैव बीन ऑलरेडी कम्प्लीटेड, तो ये भी चांसेस हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उस मशीन में तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि एक ही बार में इतना बल्क प्रोडक्शन हो रहा है एंड इतना सब कुछ प्रॉब्लम है तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे ही उस डिफेक्ट का असर जो है वो आएगा, और जब तक ये चीज़ डिटेक्ट होगी तब तक ऑलरेडी बल्क में प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीट हो चुका होगा। तो इस चीज का सलूशन लेकर के आया है JIT। सो JIT सिस्टम में क्या होता है, एक डिफरेंट अप्रोच जो है वो फॉलो होता है, और इस डिफरेंट अप्रोच में क्या होता है, उस डिफरेंट अप्रोच में जो है हम लोग सेटअप इशू के बारे में बात करते हैं। सो अ सेटअप इशूज इज फॉलोड विच फोकसेस ऑन मेकिंग अ वीडियो टेप ऑफ अ टिपिकल सेटअप। अब इसका जो है वो आप डेली लाइफ में भी देखते होगे, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो गया है, यूट्यूब पे कुकिंग के वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। तो इसी तरह से अगर कंपनी में भी उस सेटअप की जो आप सेटअप कर रहे हो, मशीन को सेटअप कर रहे हो, उसकी एक वीडियो बना दी जाए एंड वो जो इंजीनियर्स हैं जो सेटअप करते हैं, इंजीनियर्स ही मशीन का सेटअप करेंगे डेफिनेटली बात है ना,
तो वो जब उस वीडियो को बार 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 देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक तो उनकी स्पीड बढ़ती है उससे, दूसरी चीज वो ये देख पाते हैं कि उस वाले पूरे के पूरे प्रोसीजर में, उस वाले पूरे के पूरे सेटअप में हम लोग क्या क्या वो चीजें कर रहे हैं, डाटा नॉन वैल्यू एडिंग, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं डाटा नॉन वैल्यू एडिंग, तो वो उस चीज को डिटेक्ट करते हैं और उस चीज को वो कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ इक्विपमेंट सेटअप्स एंड देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट, तो इससे क्या होता है, क्योंकि सेटअप टाइम कम लग रहा है, अब हमें 2 घंटे की जगह हो सकता है सिर्फ 40 मिनट ही लगे, क्योंकि जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ये वीडियो देख देख के जो इंजीनियर्स हैं वो अननेसेसरी जो स्टेप्स हैं उसको हटा देंगे और वो क्या कर सकते हैं, वो फास्ट उसका सेटअप कर सकते हैं। तो फिर अगर कंपनी को कम टाइम लग रहा है उसका सेटअप करने में, तो फिर वो बल्क में 500 प्रोडक्ट्स क्यों बनाएगी, फिर तो वो छोटे छोटे लॉट्स इजिली बना सकती है, ठीक है। तो इस चीज से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आया है वो क्या है, वीडियो टेप सेटअप आया है। तो इस चीज से क्या होगा, जब वो वीडियो टेप ऑफ टिपिकल सेटअप इंजीनियर्स लोग बार बार देखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो लेंथ है इक्विपमेंट सेटअप्स की उसको रिड्यूस करने की जगह आप बार बार वीडियो टेप देखो, और आप क्या करो, इससे जो है बहुत सारा प्रोडक्शन करने की जो नीड है वो भी एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे थे ना, तो वो चीज़ भी अब हमें नहीं करनी पड़ेगी। सो टीम ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स इन मशीन यूज एग्जामिन द स्टेप, ये लोग इस टेप को देखते हैं, इस वीडियो टेप को देखते हैं, जो टिपिकल आपके इंजीनियर्स होते हैं और मशीन यूजर्स होते हैं, एंड ये स्पॉट करते हैं एंड ग्रेजुअली एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेटअप टाइम है वो बढ़ रहा है। तो उन स्टेप्स को ये एलिमिनेट करते हैं और धीरे धीरे सेटअप के स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं उस वीडियो को देख देख कर, ठीक है। नाउ इट इज नॉट अनयूजुअल आफ्टर अ नंबर ऑफ आइटरेशंस टू अचीव सेटअप टाइम्स ऑफ मिनट्स और सेकेंड्स व्हेन द प्रीवियस सेटअप टाइम्स वर वेल इनटू आवर्स। तो इस वजह से, क्योंकि अननेसेसरी सारे के सारे एक्शंस ये लोग हटा देते हैं उस सेटअप में, तो इस वजह से जो सेटअप में हो सकता था पहले घंटे लग रहे थे, अब वो काम, वो सेटअप अब सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ सेकेंड्स में ही हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हमारी एग्जाम्पल में, सपोज किसी सेटअप में 2 घंटा लग रहा था, अब कंपनी ये सोच रही थी कि हम 2 घंटा तो लगा ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, हम इकट्ठा 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, लेकिन उसके ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे थे। तो इसकी जगह कंपनी क्या कर रही है, इसकी जगह कंपनी जो है वो वीडियो टेप लगा रही है, उससे इंजीनियर्स ये जो 2 घंटा लगा रहे थे, हो सकता है कि ये 40 मिनट्स में पूरा का पूरा सेटअप कर लें। अब क्योंकि सिर्फ इन्हें 40 मिनट्स ही लग रहे हैं सेटअप को लगाने में, तो ये 500 यूनिट्स इन्हें बनाने की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये क्या कर सकते हैं, वो एक बार में 50 यूनिट बनाए। अब एक एक बार में चलता ऐसे है कि एक बार सेटअप होता है, फिर प्रोडक्शन साइकिल होती है, देन आपका दूसरा सेटअप होता है, देन दूसरी प्रोडक्शन साइकिल होती है, तो ऐसे करके आपका जो है चलता है। अब क्योंकि आपका सेटअप में इतना कम टाइम लग रहा है, तो फिर वो जो प्रोडक्शन रन है उसमें ये लोग कम यूनिट्स बनाएंगे, और क्योंकि कम यूनिट्स ये लोग बनाएंगे तो कहीं पर भी कोई भी डिफेक्ट होगा वो चीज़ फ़ौरन पता लग जाएगी। साथ में ये इन्वेंट्री वाली जो आपकी कॉस्ट आ रही थी ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट ऐसे हो जाएगी कि जितनी क्वान्टिटी आपको चाहिए उतने अकॉर्डिंगली सेटअप करो और इतनी इतनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर दो, तो उससे आपको कोई भी स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस चीज में एक प्रॉब्लम है, इस चीज में अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मशीन्स में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ ना, तो ये चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो अनदर मेजर प्रॉब्लम इज कोऑर्डिनेशन। तो पहली आपकी प्रॉब्लम क्या थी, पहली आपकी प्रॉब्लम थी शॉर्ट सेटअप, जो लेंदी सेटअप टाइम, ये आपकी प्रॉब्लम थी, तो उसका सोल्यूशन क्या लेकर आए, शॉर्टन कर दो सेटअप टाइम को। अब दूसरी आपकी प्रॉब्लम क्या निकल के आई है, दूसरी आपकी ये प्रॉब्लम निकल के आई है कि ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह एलिमिनेट तब तक नहीं हो पाएगी जब तक मशीन्स में क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सो देर आर स्टिल प्रॉब्लम्स विद द मशीन्स नॉट बीइंग कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली, so that there is a smooth streamlined flow of parts from machine to machine. In most of the companies, there is such a large difference between the operating speeds of different machines that work in progress inventory builds up in front of the slowest ones. अब देखो होता क्या है ना, आपको पता ही है कि कोई भी प्रोडक्शन जो है वो एक मशीन से ज़रूरी नहीं कि हो जाए। सो सपोज एक प्रोडक्शन रन आपका चल रहा है और इसमें 3 मशीन्स हो रही हैं यूज़, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी, मशीन नंबर सी, ठीक है। अब मशीन नंबर ए जो है वो आपकी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, फिर जो दूसरी मशीन है वो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो आपकी ये तीसरी वाली सी है इसके पास में केवल और केवल 8 यूनिट्स ही अभी तक प्रोड्यूस कर पाई है।
इस केस में क्या होगा, ये जो ए वाली है यहाँ पे 15 हो गए हैं, तो यहाँ पे इसके जो भी 10 के 10 हैं ये सारे यूनिट्स फर्दर प्रोसेस हो जाएंगे। सपोज ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है, ये प्रोसेस नंबर 3 है, ये आपके डाउन स्ट्रीम में मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो इसके पास बी वाली मशीन ने तो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं, लेकिन सी वाली मशीन ने केवल और केवल 8 यूनिट ही प्रोड्यूस करे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो 2 यूनिट ए वाली की हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वेट करना पड़ेगा, उनको वेट करना पड़ेगा, उन यूनिट्स का प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि इन मशीन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इस वजह से क्या होगा, पाइल ऑफ वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, नॉट ओनली दिस क्रिएशन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन इन्वेंट्री बट डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस बाय एन अपस्ट्रीम मशीन मे नॉट बी डिस्कवर्ड अंटिल द नेक्स्ट डाउनस्ट्रीम मशीन ऑपरेटर वर्क्स हिज वे थ्रू अ पाइल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फाइंड्स देम। तो मैं यहाँ से दोबारा पढ़ती हूँ, इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट मशीन्स दैट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बिल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द स्लोएस्ट वंस। तो उन्होंने ये बोला है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हो सकता है। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से एक तो एक्सेस क्वांटिटी जो है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री की वो आ जाती है। अब ये जो 2 यूनिट्स हैं जिनका वेटिंग है इसको आप कहाँ लेके जाओगे, इसका इन्वेंट्री आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, स्टॉक इसका मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो इससे ना सिर्फ एक्सेस क्वांटिटी होती है बल्कि क्या होता है, बट डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस बाय एन अपस्ट्रीम मशीन मे नॉट बी डिस्कवर्ड अंटिल द नेक्स्ट डाउनस्ट्रीम मशीन ऑपरेटर वर्क्स हिज वे थ्रू पाइल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फाइंड्स देम। अब इन्होंने ये बोला है कि एक तो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वर्क हो जाएगी, मतलब आपको वर्क इन प्रोग्रेस की भी इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा इस वजह से। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली कि सपोज इसमें कोई भी डिफेक्ट था तो इसका तो प्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, ये 2 यूनिट्स तो अभी भी वेटिंग में है, तो इनका डिफेक्ट भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इनका डिफेक्ट भी आप तब तक डिस्कवर नहीं कर सकते जब तक जो डाउनस्ट्रीम मशीन ऑपरेटर है उसने अपने काम को निपटा लिया हो, उसने उतने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया हो। तो इस वजह से क्या होता है, बाय द टाइम दिस हैपेंस द अपस्ट्रीम मशीन में हैव क्रिएटेड मोर डिफेक्टिव पार्ट्स। जब तक ये वाले पार्ट्स के डिफेक्ट क्रिएट हो तब तक ये हो सकता है कि इससे और ज्यादा डिफेक्ट्स आ जाए। तो इस वजह से क्या होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्कवर टाइमली नहीं हो पाते, सो ऑल ऑफ विच वॉज नाउ बी डिस्ट्रॉयड और रिवर्ट। तो इन पे या तो आपको पूरा खत्म कर दे या दोबारा से आपको इस पे काम करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन लेकर आया है, ये जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम मशीन्स के बीच में हो रही है इसके 2 सोल्यूशंस आपके हैं। तो पहला सोल्यूशन आपका है कैनबन कार्ड और दूसरा सोल्यूशन जो है वो क्या है आपका, सेल वर्किंग सेल्स वाला, ठीक है। तो पहला है आपका कैनबन कार्ड एंड दूसरा है आपका वर्किंग सेल्स। तो फर्स्ट कैनबन कार्ड में क्या होता है, कैनबन कार्ड में ना एक नोटिफिकेशन कार्ड होता है, तो मैं इसको पहले पढ़ती हूँ देन आई विल एक्सप्लेन यू। द फर्स्ट इन्वॉल्व्स अ कैनबन कार्ड विच इज अ नोटिफिकेशन कार्ड दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन सेंड्स टू ईच मशीन दैट फीड्स इट्स पार्ट्स ऑथराइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ जस्ट इनफ कॉम्पोनेंट्स टू फुलफिल द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स बींग ऑथराइज इन टर्न बाय द नेक्स्ट मशीन फर्दर डाउनस्ट्रीम। तो इसमें ना कैनबन कार्ड में क्या होता है, कैनबन कार्ड एक नोटिफिकेशन कार्ड होता है। तो नोटिफिकेशन कार्ड में जो होता है वो क्या होता है, जो डाउनस्ट्रीम वाली मशीन है वो क्या करती है, वो अपस्ट्रीम वाले जो मशीन है उसको एक नोटिफिकेशन दे देती है, एक ये जो नोटिफिकेशन कार्ड एक दे देती है डाउनस्ट्रीम वाली अपस्ट्रीम वाली को, और वो ऑथराइज करती है कि ये वाले जो सारे कंपोनेंट्स है ना इसको आप फुलफिल कर लो। जैसे कि हमारे केस में क्या हो रहा था, हमारे वाले एग्जाम्पल में ए बी सी नहीं मशीन है, ठीक है। अब ए के लिए बी डाउन स्ट्रीम है, बी के लिए सी डाउन स्ट्रीम है, और ये जो है ये अपस्ट्रीम है बी के लिए, ठीक है, इसके लिए अपस्ट्रीम है। तो इसमें क्या होगा ना, जो डाउनस्ट्रीम वाली होगी मतलब जो सी होगी वो बी को क्या भेजेगी, एक नोटिफिकेशन भेजेगी कि जो है मुझे इतने पार्ट्स जो है वो आप फीड कर दो, ठीक है। तो ये जो है ऑथराइज करेगी कि आप जो है इतना प्रोडक्शन कर दो। तो ये वाला जो है नोटिफिकेशन कार्ड के थ्रू डाउनस्ट्रीम मशीन अपस्ट्रीम मशीन को क्या कर रही, ऑथराइज कर रही है प्रोडक्शन, सो दैट कोई भी वेटिंग टाइम ना रहे। सो विच इज अ नोटिफिकेशन कार्ड दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन सेंड्स टू ईच मशीन दैट इट फीड्स पार्ट्स ऑथराइजिंग अ प्रोडक्शन, ऑथराइज करती है प्रोडक्शन को ऑफ जस्ट इनफ कॉम्पोनेंट टू फुलफिल द प्रोडक्शन। चल गया, टू फुलफिल द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स बींग ऑथराइज इन टर्न बाय द नेक्स्ट मशीन फॉर द डाउन स्ट्रीम।
तो ये जो है ये पुल सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। पुल सिस्टम इसने क्या बोला कि जितना सी ने डिमांड करा है उतना बी प्रोड्यूस कर देगा, जितना बी ने डिमांड करा है उतना ए प्रोड्यूस कर देगा। तो एक तरीके का आपका पुल सिस्टम भी हो गया। या फिर अगर इसको आप इस वाले लैंग्वेज में लर्न करो तो क्या है, एक नोटिफिकेशन कार्ड है जो एक डाउनस्ट्रीम मशीन है वो क्या कर रही है, वो सेंड कर रही है हर मशीन को जो फीड करता है उसके पार्ट्स को। मतलब कि वो अपनी अपस्ट्रीम मशीन को एक नोटिफिकेशन कार्ड दे रही है और वो ऑथराइज कर रही है कि आप जो है जस्ट इनफ कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर दो जो उसके प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। जितना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ आप उतना प्रोडक्शन का जो है वो मुझे करके दे दो, ठीक है। बींग ऑथराइज इन टर्न बाय द नेक्स्ट मशीन फर्दर डाउन स्ट्रीम। तो जैसे सपोज सी ने बी को करा था, ठीक है, अब बी ने क्या करा था, बी को जो सी से मिला होगा ऑर्डर, सी से अथॉरिटी मिली होगी, वो बी क्या करेगा, ए को एक नोटिफिकेशन कार्ड में लिख कर देगा कि मुझे इतने प्रोडक्शन की जरूरत है, आप मुझे इतना प्रोडक्शन जो है वो करके दे दो, ठीक है। तो ये जो है ये पुल सिस्टम भी होता है। सो सिंस कैनमेंट्स आर इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, पुलिंग वर्क ऑथराइजेशन थ्रू द प्रोडक्शन स्टेप। तो जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, एंड वाला जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे फाइनली जाके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, वहां से ये चीज इनिशिएट होती है, वहां से ये चीज चालू होती है एंड धीरे धीरे होते होते अपस्ट्रीम तक जो फर्स्ट वाला स्टेप होता है वहां तक पहुंचती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इस अप्रोच से कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होता, मतलब कोई भी वेटिंग टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जितना आगे वाले को चाहिए उतना पीछे वाले ने प्रोड्यूस करके उसको दे दिया है। सो सिंस इट कैन बी क्रिएटेड ओनली विद कैनमैन ऑथराइजेशन। तो जब तक जो डाउनस्ट्रीम वाली ऑथराइज नहीं करेगी तब तक अपस्ट्रीम वाली मशीन उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो उससे कुछ भी वेटिंग टाइम नहीं होता, कुछ भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी होती है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गई। सेकेंड वे इसका क्या रहता है, सेकेंड वे इसका रहता है एक्सेस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करने के लिए, डिफेक्टिव पार्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, ग्रुपिंग मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स, ग्रुपिंग मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। तो जो बहुत सारी मशीन्स उसको हमने क्या कर दिया, वर्किंग सेल्स में ग्रुप कर दिया। तो वर्किंग सेल क्या होता है, वर्किंग सेल होता है एक स्मॉल क्लस्टर मशीन्स का विच कैन रन बाय अ सिंगल मशीन ऑपरेटर। ये जो येलो येलो से मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है। वर्किंग सेल क्या होता है, स्मॉल क्लस्टर होता है मशीन्स का विच कैन बी रन बाय अ सिंगल मशीन ऑपरेटर। मतलब एक ही मशीन ऑपरेटर है और वो इतनी छोटी छोटी क्लस्टर्स है ना मशीन्स की, कि वो एक सिंगल मशीन ऑपरेटर ही क्या कर पा रहा है, उसको रन कर पा रहा है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो सिंगल मशीन ऑपरेटर है वो ही उसी के पास में पूरा का पूरा सेल होता है। तो अब इससे क्या होता है, दिस इंडिविजुअल मशीन ऑपरेटर टेक्स ईच आउटपुट पार्ट फ्रॉम मशीन टू मशीन विद इन द सेल एंड दस देयर इज नो वे फॉर वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्ड अप बिटवीन द मशीन्स। अब क्योंकि इतना छोटा क्लस्टर होता है मशीन्स का, तो उसके पास में वो जो इंडिविजुअल ऑपरेटर होता है ना, वो हर आउटपुट पार्ट को मशीन टू मशीन जो है टेक करता है, टेक ईच आउटपुट पार्ट फ्रॉम मशीन टू मशीन विद इन द सेल। वो जो एक सेल होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है वो मशीन से आउटपुट लेता है एंड इससे क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही मशीन्स के जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड वगैरह रख पाता है एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक कर देता है। तो इससे कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कलेक्ट नहीं होता। ऑल्सो ये जो ऑपरेटर है ये इमिजिएटली आइडेंटिफाई कर पाता है कोई भी डिफेक्टिव आउटपुट होता है विच अदरवाइज इज डिफिकल्ट फॉर ईच मशीन ऑफ द सेल। तो अब क्योंकि सारी की सारी मशीन वो सिंगल मशीन ऑपरेटर के पास में ही है, उसका कमांड उसके पास में ही है, तो कुछ भी अगर डिफेक्टिव आउटपुट किसी मशीन से आ रहा होता है तो वो फॉरन डिटेक्ट हो जाता है। वरना देर आर हाई चांसेस, जैसे हम लोगों ने हायरार्की देखी यहाँ पर, तो इन आवर एग्जाम्पल आई हैव कंसिडर्ड ओनली 3 मशीनरीज, अदरवाइज देर आर अ लॉट ऑफ मशीनरीज यूज। एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है डिटेक्ट हो जाए टाइमली, सो दैट फाइनल प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट ना हो। तो ये चीज़ इससे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। नाउ दिस कॉन्फिगरेशन हैज़ द एडिशनल बेनिफिट ऑफ लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट सिंस द स्मॉलर मशीन यूज इन मशीन सेल आर जनरली मच सिंपलर देन द लार्ज। तो क्योंकि छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं सो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक भी रहता है। ऑटोमेटेड मशीनरी दे रिप्लेस ऑल्सो बिकॉज द न्यू मशीन्स आर सो स्मॉल, इट इज़ मच ईजियर टू कन्फिगर द प्रोडक्शन फैसिलिटी व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग द लार्ज एक्सपेंस ऑफ केयरफुली रीपोजिशनिंग एंड अलाइनिंग।
इक्विपमेंट। अब ये लोग ये बोल रहे हैं छोटी छोटी मशीन्स होती हैं तो कॉन्फ़िगर करना भी अपने प्रोडक्शन स्टेप के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड खर्चा भी थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो एक आपका इसमें हो गया कोऑर्डिनेशन के लिए कैनबन कार्ड, जो दूसरा हो गया आपका वर्किंग सेल, वर्किंग सेल। और इसमें हम लोगों ने जो पहला पढ़ा था वो था कि आप कैसे जो है वो शॉर्टन कर सकते हो। तो आपको एक तो शॉर्टनिंग करनी है सेटअप टाइम की, एंड आपको क्या करना है मशीन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। उससे ही फिर आप क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू रिड्यूस द वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस। नाउ बोथ कैनवेंस एंड मशीन सेल शुड बी यूज टुगेदर, जैसे कि जस्ट मैंने अभी बताया कि इन दोनों को आप साथ में यूज कर सकते हो। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होती हैं, कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कैनबन कार्ड तो लगा दिया लेकिन अगर मशीन सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मशीन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो फिर आपके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा ना कोई भी प्रोसेस को करना। सो इसलिए इन्होंने ये बोला कि आप कैनबन एंड मशीन सेल्स को साथ में यूज़ कर लो, कि मतलब एक ही सिंगल ऑपरेटर के पास में ही कमांड है सारी की सारी मशीन्स का, और मशीन्स क्या कर रही है एक दूसरे को नोटिफिकेशन कार्ड भेज रही है। ठीक है, नाउ बाय डूइंग सो सो अ कंपनी कैन अचीव एक्सट्रीमली लो प्रोडक्ट डिफेक्ट रेट्स। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये मशीन सेल्स उसको इकोनॉमिक पड़ता है किसी कंपनी को, और कैनमेन कार्ड से जो है वो टाइमली प्रोसीजर रहता है और डिफेक्ट भी जो है टाइमली डिटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो कंपनी है वो एक्सट्रीमली लो प्रोडक्ट डिफेक्ट रेट्स जो है वो मेंटेन कर सकती है, एज वेल एज वेनिशिंगली स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। और इस तरह से जो है उसको वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या पड़ी भी तो बहुत ही कम होगा ऐसा। ठीक है, नाउ बिफोर द प्रिसीडिंग स्टेप्स आर कंप्लीटेड इट बिकम्स अपेरेंट दैट अ मेजर चेंज मस्ट ऑल्सो बी मेड इन द वर्क फोर्स। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच इज टू हैव वन एम्प्लॉय मेंटेनिंग वन मशीन विच इज सो मोनोटोनस दैट वर्कर्स क्विकली लैप्स इनटू एपथी एंड डेवलप अ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। तो अब इन्होंने ये बोला कि ये स्टेप्स लगाने से पहले कुछ बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये थी कि एक इंसान को जो है एक तरीके का काम दे दो, वो करता रहे। अब आप ही को एक तरीके का काम दे दिया जाए, जैसे आपको बोला जाता है ना कि एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ते रहो, सो फॉर सम स्टूडेंट्स इट सूट्स, बट सम स्टूडेंट्स फाइंड दैट वेरी वेरी मोनोटोनस, एंड उनको लगता है कि हमको थोड़ा सा थ्योरी एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाहिए सो दैट हमारा कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, वरना हम बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर हमारी एफिशिएंसी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो सेम हैपन्स विद द एम्प्लॉयज ऑल्सो, अगर एम्प्लॉयज़ को आप एक ही काम दे दोगे तो उनके लिए थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए नंबर ऑफ मशीन्स एज वेल एज प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्कर्स बिकम मच मोर इंटरेस्टेड इन वॉट दे आर डूइंग। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा होता था, बट क्योंकि अब नंबर ऑफ मशीन्स जो हैं वो सिंगल ऑपरेटर के पास में आ गई, उसी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उस वर्किंग सेल की, तो उससे वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, एंड क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो उस वजह से वो जो है इंटरेस्टेड भी रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा पहले होता था कि उसको एक ही तरीके का काम दिया जाता था तो वो बहुत मोनोटोनस फील करता था, बट अब क्योंकि हमने GIT अप्रोच लगा लिया है एंड वर्किंग सेल्स का कंसेप्ट लगा लिया है, तो उससे जो है वो वर्कर के भी जो काम है उसमें उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होता है। नाउ टू एनहांस द सिचुएशन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग क्लासेस टू टीच टू एम्प्लॉयज हाउ टू ऑपरेट अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट मशीन्स। और इन इन एम्प्लॉयज़ को आप क्या करो, इन एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करवाओ इनके, ये जो मशीन ऑपरेटर्स हैं कैसे जो है ये अपने मशीन्स को ठीक से ऑपरेट कर पाएँ एंड परफॉर्म लिमिटेड मेंटेनेंस ऑन द मशीन्स विदाउट हैविंग टू कॉल इन द मेंटेनेंस स्टाफ, स्पॉट प्रोडक्ट एरर्स, अंडरस्टैंड हाउ द इंटायर सिस्टम फ्लोज एंड वेन टू होल्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने ये बोला कि एक तो आप इन एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हो कि कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज करें इतनी सारी मशीन्स का काम। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि आप लिमिटेड मेंटेनेंस करना उनको सिखाओ, मतलब ऐसा ना हो कि उन्हें बार 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 मेंटेनेंस स्टाफ को बुलाना पड़ रहा है, वो खुद प्रोडक्ट के एरर्स को स्पॉट करें और देखें वो कैसे काम कर रहा है और उसको फिक्स करने की कोशिश भी करें। ठीक है, नाउ इन शॉर्ट, अब यहाँ से जो है इस पूरे पैराग्राफ की उन्होंने समरी बता दी, इन शॉर्ट द वर्क फोर्स मस्ट बी कम्प्लीटली रीट्रेन एंड फोकस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, दिस यूजुअली रिजल्ट्स इन अ रिकॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्पेंसेशन सिस्टम एज वेल, बिकॉज द फोकस ऑन अटेंशन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम अ परफॉर्मेंस बेस्ड टू हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड टू हाई क्वालिटी
हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। तो मैंने ये बोला कि जो वर्कफोर्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रीट्रेन करना पड़ेगा और उनको इतनी सारी एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, जिससे एक तो रीकॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑफ द कॉम्पनसेशन सिस्टम एज वेल, क्योंकि जो फोकस होगा अटेंशन का वो शिफ्ट हो सकता है अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंस बेस्ड टू हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब पहले तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस देते थे जो एम्प्लॉयज थे, बट अब परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रोडक्शन वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा और क्वालिटी में भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन रहेगा हर चीज़ में, है ना। और साथ में वो लोग इंटरेस्टिंगली काम करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो क्वालिटी पे भी वो लोग ध्यान देंगे, तो हर चीज़ टाइमली होगी, वेस्टेज बहुत कम होगा एंड क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो है, ये JITF का इन्होंने थोड़ा सा, ये जनरल टॉपिक ही हो गया, ये वाला पैराग्राफ से थोड़ा सा जनरल हो गया, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपको ये बताया कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है वर्किंग सेल्स का और ये कैनमैन वाले सिस्टम का, ठीक है। नाउ मेजर रिजल्ट्स ऑफ हैविंग एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स इज दैट एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू स्टॉप देयर मशीन्स व्हेन दे सी अ प्रॉब्लम एंड ईदर फिक्स इट ऑन स्पॉट और इमिजिएटली कॉल इन अ रिपेयर टीम। ये भी उसी का कंटिन्यूएशन ही है। इन्होंने ये बोला है कि इससे ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनको अलाउ किया जाता है कि अगर उनको लग रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वहाँ उस स्टेप पे आके प्रोडक्शन को स्टॉप कर दें एंड उसको फिक्स करें, ठीक है। नाउ इन ईदर केस द रिजल्ट इज इमीडिएट रिजोल्यूशन ऑफ द बल्क ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। दिस वन स्टेप हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मच ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वेरियंस एनालिसिस। वही बातें रिपीट हो रही हैं कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेप पे आके आपका प्रोडक्शन जो है वो अटक रहा है या वो उस पर्टिकुलर एरिया पे आके, उस पर्टिकुलर स्टेप पे आके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहीं की वहीं उसको डिटेक्ट कर लो, वहीं की वहीं उसको फिक्स कर लो, उससे आपका आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट विल बिकम वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू प्रोड्यूस इट, राइट। नो इन ईदर केस जो रिजल्ट होता है वो यही होता है, इमीडिएट रिजोल्यूशन। ये वाला जो है इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहता है। हिस्टोरिकली मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कंपाइल ऑल काइंड ऑफ वेरियंस इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स इन डिटेल एंड देन प्रेजेंट अ फॉर्मल प्रॉब्लम एनालिसिस रिपोर्ट टू मैनेजमेंट अ फ्यू वीक्स अवे, फ्यू वीक्स आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। हाउएवर बिकॉज द प्रोडक्शन स्टाफ रिजॉल्व द अंडरलाइंग इशूज विद इन अ फ्यू मिनट ऑफ देयर अकरेंस, द वेरियस रिपोर्ट्स बिकम्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट नो लॉन्गर केयर्स वॉट हैपन अ मंथ द पास्ट बिकॉज इट प्रेजेंटली डीलिंग विद करंट प्रॉब्लम्स दैट विल नॉट अपियर ऑन मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्ट फॉर वीक्स टू कम। इन शॉर्ट द क्विक रिस्पॉन्स केपेबिलिटीज ऑफ JIT सिस्टम अलाउ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू ओमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियंस रिपोर्टिंग दैट वॉज प्रीवियसली एन इम्पॉर्टेंट सेंट्रल जॉब फंक्शन। तो उन्होंने ये बोला है कि जब से JIT सिस्टम आया है ना, तब से जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियंस रिपोर्टिंग को ओमिट हो गया है, जिसका पहले जो है सेंट्रल जॉब फंक्शन पे बहुत ज़्यादा काम था। क्योंकि अब क्या होता है ना, अब मिनट्स के अंदर अंदर जो है कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। जब पहले ये नहीं था तो पहले हर एक चीज़ जो है वो एंड ऑफ द मंथ में रिपोर्टिंग होती थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी, उसकी प्रेजेंटेशन होती थी एंड फिर मैनेजमेंट उसके साथ में डील करता था। लेकिन जब से ये JIT सिस्टम आया है तब से मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने क्या करा है, वो केयर ही नहीं करते, जो हो गया वो हो गया, वो तो करंट प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये ओमिट हो गई है, ठीक है। Now this approach also means that there is no need for suppliers to send invoices since the company relies solely on its internal production records to complete payments। और इसी जो invoice वाली चीज़ है ना, ये भी क्या हो गई है, ये भी बंद हो गई है, क्योंकि जो कंपनी है वो रिलाई करती है इंटरनल प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स पे अपने पेमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो जो सप्लायर्स हैं उनको जो है इन्वॉइसेस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। जो कंपनी है वो किस पे रिलाई करती है, अपने इंटरनल प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स पे रिलाई करती है कि इतनी की डिमांड आई थी, इतना हमने प्रोड्यूस करके इनको जो है वो दे दिया है, या फिर इतना हमने रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर से मंगा लिया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इम्पैक्ट है JIT का। सो दिस थ्री पैराग्राफ्स आर जनरल, लेकिन इसमें इम्पैक्ट की बात हुई है तो इसमें एज सच कुछ कीवर्ड ध्यान में नहीं रखना, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो कि पैराग्राफ्स में क्या बोल रहे हैं। बाकी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिखेगा ना थियोरी का इस टॉपिक पे, तो वो मैं आगे के लेक्चर्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। नाउ जो थर्ड वाला है ओवरव्यू का पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट फॉर दिस वीडियो एज वेल। तो इसमें जो है हम डील करेंगे अबाउट द, हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेसेस इन विच कंपनी ऑल्टर्स इन सपोर्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। एक काम करते हैं, लेट्स कीप दिस लेक्चर टिल हियर ओनली एंड फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग ना पूरा JIT जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।
एंड उसके बाद में मैं आपको जो है लिंक दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कैसे आप ये जो इलास्ट्रेशन हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जस्ट इन टाइम के, उसको कैसे आप कर सकते हो। तो जो वीडियोस मैंने यूज़ की है ना, मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आप मेरे साथ साथ जो है वो ये प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक हो देन प्लीज़ डू शेयर, एंड अगर क्या प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना, अच्छा बुरा जो भी है, सो दैट मैं उसको कंसिडर करके एंड देन आई कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।